आज हम गुलाब जामुन बना रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर 250 लिए हैं अमूल दूध, और लिए हैं यहाँ पर जो गुलाब जल है, ये गुलाब जल थोड़ा सा लगेगा। अच्छा, सूजी थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा सा मैदा का भी ज़रूरत पड़ेगा। ये लाल रंग है जो कलर के लिए, और ये है चीनी, कढ़ाई लिए हैं, और चाहिए होगा मुझे दूध का ज़रूरत पड़ेगा। पहले मैं दूध को थोड़ा सा गर्म करके एक कटोरी में निकाल लूँगी दूध को। जो दूध हल्का गर्म हो चुका है, अब यहाँ से हम दूध थोड़ा सा निकाल के इसमें रख लेंगे। हल्का गर्म है, इतना दूध हम निकाल लिए। अब गर्म दूध में हम, ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का गर्म दूध में हम अमूल दूध दे देते हैं। इसमें मुझे और दो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, वो है एक बेकिंग सोडा और ये इलायची। अब दूध में मैं अमूल दूध को अच्छा से मिला देती हूँ, मिक्स कर देते हैं अच्छा से। गाय के मिल्क के साथ हम अमूल दूध को अच्छा से मिक्स कर लिए हैं, पूरा गुठली जो है वो सब मिल गया है दूध में अच्छी तरह से। गाय की दूध को हमने गुनगुना गर्म कर लिए थे। अब इसमें हम इलायची कूट के दे देंगे। अभी मैं इसको कूट के और इसका छिलके के साथ हम डाल दिए। अभी हम छिलका बाद में निकाल लेंगे, अभी फ्लेवर अच्छा से आने के लिए हम इसका छिलका को भी इसमें डाल दिए। अब थोड़ा हम गुलाब जल इसमें ऐड कर देते हैं। अब हमने कढ़ाई में ये चला दिए हैं, गैस चला दिए हैं। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा, ये मेरे पास है झरना घी है, गावा घी जो है, उसको एक चम्मच के लगभग उसको ले लिए। उसको मेल्ट होने देते हैं, मेरा गावा घी मेल्ट हो गया। अब हम इसमें इतना सा सूजी ऐड कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हल्का ब्राउन कलर आने तक इसको थोड़ा ये कर लेते हैं, भूंज लेते हैं, फ्राई करते हैं। इसको हम मीडियम आंच पे ब्राउन कलर, थोड़ा सा हल्का ब्राउन आने तक इसको फ्राई करते हैं। अब ये फ्राई हो गया, ये व्हाइट से ब्राउन कलर में चेंज हो गया। अब इसमें हम इस दूध को डाल दिया। अब इसको हम ऐसे चलाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, पूरा मिक्स करते जाएंगे इसको ऐसे मीडियम ये में फ्लेम में इसको हम हिलाते जाएंगे। कढ़ाई में बैठ ना जाए इसलिए इसको हिलाते रहना है। उबाल आ गया है, इसको हम ऐसे करके हिलाते ही जाएंगे। उबाल आना स्टार्ट हो गया, इसका पूरा जो ये है उसको हमको एकदम ये कर लेना होगा दूध को। अब ये जम चुका है, अब हम इसको बंद कर देंगे।
अब इसको हम इसमें निकाल लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, ज्यादा ठंडा नहीं करेंगे, थोड़ा सा पकड़ सके इस तरह का ठंडा हम कर लेंगे। जब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तब तक हम इसमें पानी दे दिए, इसमें हम चीनी का रस चाशनी बना लेते हैं। अब ये ठंडा हो चुका है, मतलब पूरा ठंडा नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत हाथ में ये कर पाए, इतना गर्मी हम गर्म रख रहे हैं, नहीं तो जो बॉल जब बनाएंगे इसका गुलाब जामुन का तो फट फट जाएगा अगर हल्का गर्म में नहीं बनाएंगे तो। अब इसमें हम 3 चम्मच डाल देते हैं मैदा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 चम्मच। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं इतना सा बेकिंग पाउडर। अब इसको हम अच्छा से मिक्स कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें हम जो छिलका डाले थे वो छिलका निकाल दिए। अब इसको हम अच्छी तरह से एकदम आटे की तरह बहुत देर तक, कम से कम 10 मिनट इसको ऐसे ऐसे करके आटे की तरह गूंदेंगे। इधर चीनी का रस में हम फिर से 2-4 ठो इलायची ये करके थोड़ा सा क्रश करके उसको ये में डाल दिए और छिलका के साथ ही डाले हैं। इलायची को कूट के डाले हैं तो इसलिए फ्लेवर इसका अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा चीनी का रस में। इसमें भी हम थोड़ा सा गुलाब जल दे दिए थोड़ा कलर लाने के लिए, इसमें हम थोड़ा कलर पाउडर दे दिए। अब इसको मिक्स कर देते हैं। हम पहली बार कलर यूज किए इसलिए हमको लगता है थोड़ा सा मुझसे कलर ज्यादा हो गया, अब पता चल गया, अब नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा कलर कम डालेंगे। इसमें हम पानी और चीनी और डाल दिए क्योंकि मेरा जो ये है गुलाब जामुन है वो पूरा डूब जाना चाहिए इसमें। घी का फ्लेवर थोड़ा सा गुलाब जामुन में आने चाहिए इसलिए थोड़ा सा घी है इसमें हम ऐड कर रहे हैं। अब बहुत देर तक इसको हम पूरी अच्छी तरह से इसको गूंद चुके हैं। अब इसका हम एक ही साइज का बॉल बना लेते हैं। ये बॉल सबको पका लिए, ज्यादा फटा नहीं है। कढ़ाई बिठा दिए हैं, इसमें हम इसको फ्राई कर लेते हैं रिफाइन ऑयल से। छोटा कढ़ाई लिए हैं, इसमें डेप्थ ज्यादा मिल जाएगा, वो जब गुलाब जामुन डालेंगे तो ये पूरा ये आ जाएगा, पूरा ही डूब जाएगा। तो तेल को एकदम पूरा ज्यादा से ज्यादा हाई फ्लेम में गरम कर लेना है। अब उसमें हम बॉल को डालते रहेंगे। अब इसमें हम बॉल डालते जा रहे हैं। बॉल को डालने के बाद हम गैस को कम कर देंगे, लो फ्लेम में कर देंगे, लो मीडियम के बीच में रखेंगे। ये ऐसे ऐसे
चारों तरफ अच्छा से ब्राउन करके इसको फ्राई कर लेंगे। रस भी मेरा पतला से इसका यह हो गया है, गाढ़ा हो गया है। इसमें ऐसे हाथ देने से चिट-चिट इसका चिट-चिट पन आ गया है, उसका मतलब रस बन चुका है। अब मैं रस का ये को बंद कर रही हूँ और इसको ये हो गया है, इसको उठा के गरम गरम रस में इसको डाल देते हैं। अब बाकी सब बल को हम फ्राई कर लेते हैं। रस अच्छा से इसमें घुस जाए इसके लिए हम इसको उठा के इस तरह का बर्तन में डाल देते हैं, तो रस अंदर में घुस जाएगा। इस तरह का बर्तन में ये जगह कम है तो रस अच्छा से इसमें घुस जाएगा। इसमें पूरा डाल दिए। अब इसको भी इसमें ये हमार मेरा गुलाब जामुन तैयार है, बनके तैयार। रंग थोड़ा सा ज्यादा पड़ा था वो भी देखो ऑब्जर्व कर लिया, लग नहीं रहा है कि थोड़ा रंग ज्यादा डाल दिए थे। अब इसको हम एक घंटा भीगने के लिए, रस अंदर तक घुसने के लिए इसको छोड़ देते हैं। रस अंदर तक चला जाएगा तो इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। और गुलाब का जल जो दिए थे उसके गुलाब वाटर देने के लिए ना इसका थोड़ा सा केसर जैसा महक आया है, केसर महक रहा है, थोड़ा जैसे लग रहा है कि केसर दिया हुआ है, लेकिन हमने केसर डाल सकते थे लेकिन हमने इसमें केसर नहीं डाले। जो मेरा गुलाब जामुन बन गया, कलर ये सब कुछ एकदम बढ़िया से आ गया, दुकान जैसे लग रहा है, महक बहुत सुंदर है। अब हम एक को लेके ऐसे चेक कर लेते हैं कैसा बना है। रस और थोड़ा सा घुसेगा अंदर, लेकिन फिर भी रस थोड़ा सा और जाएगा। अभी एक घंटा भी नहीं हुआ है, इसको हम ऐसे ये करके रख देते हैं।